तो मेरे फेस पे मत जाना, मेरा फेस अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं नहा के खाना बनाने में लग गई थी। तो गाइस हो चुके हैं हम फुल रेडी, कैसे लगते हैं? आज मेरे पास आप इधर आओ के शुभ परिणाम के बाद ये क्यों हो सके? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सबको सभी और सबसे पहले तो सभी को हैप्पी बर्थ सावित्री, हैप्पी बर्मावस। और देखो मेरे मेहंदी का रंग अभी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ, बट हाँ डार्क फिर भी कल के अकॉर्डिंग हो गया। मम्मी कुछ कह रही है क्या? महक अभी सही आंशी से कह रही है। तो वैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह से कामों में लगे हुए थे, खाना वाना बन रहा था और बाकी जो भी काम है सब निपट चुके हैं। अब बस केवल पूजा करनी है, उससे पहले रेडी होना है, 16 श्रृंगार करना है, तो बस वही करने के लिए आए हैं। और मैं कौन सी साड़ी वेयर कर रही हूँ, आपने साड़ी पहले भी देखी है, मैं वही वेयर कर रही हूँ, अभी दिखाऊंगी कौन सी है। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपना चूड़ी का सेट बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। बनाने वाली हूँ साड़ी, मेरी ये है, मैच ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ हैं नहीं, बट मैंने निकालनी कहीं ना कहीं से, अब रेडगढ़ करके इन्हीं का सेट बना लूँगी मैं। और ये कड़े वगैरह सब दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, मेरी मेहंदी, नेल्स भी इस बार छोटे से हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, रेडी होना। ओके, फिर पूजा करनी है, साथ मिलके सब पूजा करेंगे। तो पहले चूड़ी का सेट बना। तो गाइस अब मेरे फेस पे मत जाना, मेरा फेस अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं नहा के खाना बनाने में लग गई थी। तो गाइस ये मैं ही बना रही हूँ, मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये मैच तो करी नहीं ना, आप क्या होगा कर रहा है वैसे? कर रहा है, चलो थोड़ा कंट्रास्ट हो जाएगा और क्या है, अब जब नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, है ना? फिलहाल अभी मैंने, हाँ देखो ये मैंने बैंगल सेट बना लिया गाइस, मैच नहीं कर रहा, बट मेरा मन था कि आज मैं कांच की चूड़ियाँ पहनूं क्योंकि मैं मोस्टली चूड़ा पहनती हूँ तो पीछे कांच की चूड़ी लगाती हूँ, वेयर करती हूँ, तो मैंने इसलिए ये सेट बनाया। कैसा लग रहा है बताना? कैसे लग रहा है ये तो आप ही लोग बताओगे कमेंट करके। फिलहाल चूड़ियाँ थोड़ी अनमैच हैं, बट इग्नोर क्या करें, बिल्कुल मैचिंग की नहीं थी, बट कंट्रास्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा डार्क एंड लाइट का। ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक, साड़ी थोड़ी उबड़ खाबड़ बनती है, कोई बनवाने वाला हो ना तो अच्छे से बनती है, जिससे ज़्यादा नॉलेज हो साड़ी बनने की। अब हमें ये बनारस की साड़ी बनानी ज़्यादा आती नहीं है, इसलिए फिलहाल हम ऐसे लग रहे हैं। लालू मम्मी और अंशी भी रेडी हो गई, उन्हें चलेंगे नीचे देखते हैं, और जब तक मैं एक दो रील बनवा लेती हूँ उनके साथ। कह रहा है दुल्हन बन के, और मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? जैसी मैं एंटर, अच्छा गाइस जैसी मैं एंटर हुई ना, मुझसे कह रहा है ओहो ये मम्मी, मम्मी आज मम्मी की थोड़ा हेल्थ इशू है मम्मी क्या हो गया है? बीपी हाई हो गया, और ये एक ग्रन ये है, ये ना भूख से हो रहा है। मम्मा हैं? बैठो बैठो, चलो मैं खरबूजे
आप भी बैठो, अभी रुक जाओ। आप इधर आओ, बुआ के घर बैठो। तो गाइज यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर पूजा कर दी थी स्टार्ट बट सावित्री व्रत की। सबसे पहले मम्मी कर रही थी, मम्मी के बाद मैं करूँगी, मेरे बाद अंशी और फिर मुस्कान दीदी, मतलब वही है ना, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा। फिर यहाँ पे जो मम्मी पैर छू रही है ना, ये गौर माता है। हमारे यहाँ आज के दिन बट सावित्री व्रत के दिन ना ये गौर माता बनाई जाती हैं, और जो भी बाय ना हम लोग मंजते हैं उसमें सुहाग का जो सामान होता है उसी सुहाग के सामान से पहले अब जो ये गौर माता होती है इनका श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं जो भी मम्मी को बायने में श्रृंगार का सामान दे रही थी उनसे पहले मैंने गौर माता का श्रृंगार किया। और गाइस ये जो आप बड़की डाल देख रहे हो ना, वैसे तो ये पूजा बरगद के पेड़ पे जाके की जाती है, बट आजकल घर के आसपास बरगद के पेड़ कहाँ ही है, तो हम लोग घर पे ही मंगा के और ये पूजा कर लेते हैं। और हम लोग जो मंजते हैं ना वो खरबूजे और पूड़ी का बायना होता है हमारे यहाँ। वैसे मेरे मायके में तो पुओं का भी होता था, मीठे पुए और पूड़ी वगैरह का, बट यहाँ पे खरबूजे और इनका होता है। तो वही जैसे ससुराल में होता है वैसे हम लोग भी करते हैं। तो ये खरबूजे और पूड़ी का और सुहाग के सामान का बायना मैं मम्मी को देती हूँ। वैसे मैं साड़ी वगैरह मम्मी को देती हूँ तीज पे करवा चौथ पे, बट ये वाला बायना मैं सुहाग के सामान से ही मम्मी को मंस देती हूँ। एंड उसके बाद में अब मैंने किया है, फिर अंशी करेगी, मुस्कान दी करेंगी, मतलब सबने मिलके हम लोगों ने सारा श्रृंगार किया गौर माता का। और फिर उसके बाद में बड़की डाल पे, वैसे तो बाहर हम जाके करेंगे तो वो घूम के जो सात बार कलावा बांधना होता है, बट घर पे घूमने का ऑप्शन ही नहीं था, स्पेस ही नहीं था, तो हम लोगों ने ऐसे ही बैठे बैठे ही कर दिया था। और ये व्रत ना गाइस बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है इस व्रत की, क्योंकि आप लोगों ने कहानी तो सुनी होगी। अब मैं पूरी कहानी इस ब्लॉग में नहीं सुना सकती वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा। पर आप लोगों के कैसे होती है ये पूजा आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है, पहले गौर माता का श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद बड़की डाल पर वो कलावा बांधा जाता है, और जो भी होते हैं बड़े से छोटा वही हमारे यहाँ पूजा करते हैं, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। और गाइस इस टाइम ना अभियुक्त ने इतना ज़्यादा परेशान किया था ना, बहुत ज़्यादा, वैसे परेशान नहीं करेगा लेकिन जब भी हम कोई पूजा पाठ का काम कर रहे होंगे ना वो परेशान जरूर करता है। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, तो मुस्कान दी ने याद दिलाया कि भाभी आपने लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाई, तो मेरा ये गौर माता का श्रृंगार पूरा हुआ। एंड उसके बाद में मैंने जल चढ़ाया। और गाइस ये जो पूजा होती है ना बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा मान्यता की होती है। आप लोग के कैसे कैसे की जाती है ना ये मुझे ज़रूर ही बताना, क्योंकि अच्छा लगता है हमारे यहाँ होता है और दूसरे के यहाँ कैसे होता है वो जानना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। एंड उसके बाद में अब ये नंबर वाइज सभी पूजा करते रहेंगे, और ये बड़की डाल के उसमें मैंने जल चढ़ाया, बाकी जो जल बचा है ना वो छत पर चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये छोटा सा ढोंगा है, इसमें तो अब सारा जल नहीं आ पाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर मान्यता जो भी, मतलब मान्यता कह रही हूँ जो भी हमारी मनोकामना होती है उसको लेके हम लोग यहाँ पे कलावा बांधते हैं, और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए ही होता है ये वाला व्रत भी। बाकी इसकी कथा सुननी है तो आप गूगल पे सर्च करना बट सावित्री व्रत की कथा, तो वहाँ पे पूरी कथा आ जाएगी सत्यवान और सावित्री की, तो उसी कथा पे निर्भर ये व्रत है। और बाकी गाइज अब आप फुल ब्लॉग एंजॉय करो आगे का, मैं अब यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पे आप सोचोगे मैं कथा क्यों पढ़ रही हूँ, कथा तो मम्मी को पढ़नी चाहिए। हाँ ये वैसे कथा मम्मी को ही पढ़नी चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना कि बड़े से, मतलब अब मम्मी के बाद मैं ही हूँ घर में पढ़ी, तो इसलिए मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मम्मी को ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो मम्मी पे नहीं देखा जाता है और आँखों में दर्द होने लगता है, इसलिए हर बार कथा मैं ही पढ़ती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी से पहले मम्मी ही पढ़ती थी, बट जब से मेरी शादी हुई है तो कथा मैं ही पढ़ती हूँ, क्योंकि भाई मैं भी इन लोगों की भाभी हूँ, जठानी हूँ, किसी की कुछ हूँ, तो भाई मैं इसलिए कथा मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बड़ा ही पढ़ के सुनाता है जो हमसे बड़ा होता है। वैसे मम्मी ने मुझे सुनाई थी जब मेरी शादी हुई थी, बट उसके बाद से मैं ही सुना। सदा सहारा रहो। मामा क्यों, मामा क्यों,
विष्णु मंगलम तनो हरि। सदा सुहागन रहो। नोनी के छोड़ो आशीर्वाद दे रहा है। देखो गाइस हो गई हमारी पूजा और अब हम लोग व्रत खोलेंगे। मेरा वाला जो मैंने मम्मी को दिया है और हम क्या खाएंगे। तो गाइस हो गई पूजा, अब थोड़ा फोटो वोटो खींचते हैं उसके बाद में व्रत खोलेंगे सभी लोग। पति देव से पूछती हूँ कितनी देर में आएंगे। 50 रुपए हाँ? के काय के मांग रही हैं आगे तो 50 रुपए। और थोड़ा अच्छी वाइब भी आ रही है छत पे, है ना मैं। तो जल्दी से सूर्य देवता की तरह सबके जल मैं ही चढ़ाने आ रही हूँ क्योंकि इतने सारे लोग छत से आई है। तो फटाफट से खाते हैं खाना, व्रत खोलते हैं अपना। बहुत तेज वाली भूख लग रही है, पूजा हो गई बायना मंस के। गाइस मैं जो शैम्पू यूज कर रही थी इससे पहले मैं ऑर्गा ट्री यूज कर रही थी, ऑर्गा ट्री के बाद फिर मैंने नायका यूज किया था एंड अगेन अब मैं ऑर्गा ट्री यूज कर रही हूँ। जो नायका मैंने यूज किया था मैं उसकी भी बॉटल आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास रखी है, यहाँ रखे हैं। तो जो मैंने ऑर्गा ट्री यूज किया था वो नायका यूज किया था, उसकी बॉटल ये वाली, मैंने ये वाला यूज किया था। एंड जो अब मैं रिसेंट यूज कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ऑर्गा का ये वाला, मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ। फिलहाल मैं ऑर्गा ट्री का ये वाला यूज कर रही हूँ डैमेज हेयर के लिए, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने इसे 3 से 4 बार आज यूज किया है, आज शायद मैंने 4 टाइम यूज किया है। बेटा मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अभी 1 मिनट बात कर रही हूँ आपसे। तो गाइस ये मैंने आज 4 टाइम यूज किया है और मुझे इसका रिजल्ट मतलब अच्छा लग रहा है। मैं एकदम से नहीं बता सकती बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अभी मैंने 4 टाइम यूज किया। कम से कम कंटिन्यू 3 मंथ्स हमें यूज करना चाहिए कोई भी शैम्पू है या 1 मंथ, तो अब हमें रिजल्ट सही से दिखता है। बट हाँ मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल ये। और इससे पहले मेरी ये वाली बॉटल फिनिश हो गई है, मैंने ये नायका का यूज किया था बट मुझे ज्यादा सूट नहीं करा। हर किसी के हेयर्स की अलग अलग वो होती है, तो मुझे ये ज्यादा सूट नहीं किया, इसलिए मैंने ये दोबारा परचेज दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला ज्यादा मतलब दोबारा परचेज करने की सोची नहीं। फिलहाल मैं अभी ऑर्गा ट्री का ये वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं थक गई, सुबह जल्दी से मतलब 7 बजे से उठे हुए हैं और कामों में लगे हुए हैं। ये रही बेटा, ये रही, अब इन्हें स्टडी करनी है तो ये स्टडी करेंगे और मैं तो अब लेटूंगी, मैं बहुत थक रही हूँ। बेटा क्या ये है, तो बेटा देखो इन्होंने कैसी कर रखी है अपनी स्टडी की बुक, ये लो। तो अभी मुझे ये पैक भी रखा है, ये मुझे पैक भी करना है क्योंकि मुझे परसों निकलना है, तो एक दिन में पैकिंग करो तो हो नहीं पाती है क्योंकि मैं इस बार काफ़ी सारे डेज के लिए जाने वाली हूँ, मतलब काफ़ी दिन के लिए जाने वाली हूँ, तो मुझे पैकिंग भी अच्छे से करनी है, कुछ भी रहना जाए। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय। और अब आराम करते हैं, थक गए बहुत ज़्यादा। एंड ये मेरा बैंगल सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। पता यही हम अगर मार्केट में बनवाने जाएंगे ना गाइज तो वो लोग बना के देंगे ये 600-700 का, बट ये मैंने देखो खुद ही से घर पर बना लिया। अच्छा लग रहा है ये आप बताना, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।